तवज्जो न मिल पाने के बाद अब कांग्रेस को प्रियंका और सॉफ्ट हिंदुत्व का ही सहारा है। प्रियंका भी इस बात को बखूबी समझती हैं, तभी वो यूपी में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं और गंगा यात्रा के बहाने कांग्रेस को गंगा जमुनी तहजीब से जोड़ने की जी जान से कोशिश करती नजर आ रही हैं। आज बधोई से जब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की तो सबसे पहले सीतामढ़ी के सीता मंदिर वो पहुंची और वहां आरती की। इसके बाद वो मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने विंध्याचल देवी के दर्शन किए। इसके बाद प्रियंका मिर्जापुर की मजार में पहुंची और वहां चादर चढ़ाकर मत्था भी टेका। अब प्रियंका मिर्जापुर में लोगों से मुलाकात कर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगी। तो प्रियंका वोट यात्रा पर निकली हुई हैं। प्रयागराज कल वो थी और बनारस यानी कि वाराणसी पहुंचने की ये पूरी यात्रा चल रही है उनकी। बोट के रास्ते वो 140 किलोमीटर का सफर तय करने की कोशिश में है। विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने पहुंची प्रियंका गांधी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। पहले क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी। क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल हनुमान मंदिर में पूजा करती थी दिखी थी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज सीतामढ़ी में पहले पूजा की, उसके बाद विंध्यवासिनी मां के दर्शन करने पहुंची। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि कहीं ना कहीं उभारने की कोशिश और इसी बात के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है और उसी को साधने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि वो दर्शन करने पहुंची, उन शहरों में पहुंची हैं तो मंदिर जाके दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की, आज सीतामढ़ी में पूजा कर रही हैं, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर विंध्यवासिनी मां के दर्शन के दौरान उन्होंने उनकी ली गई है। और ये तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 140 किलोमीटर की गंगा यात्रा पर निकली और इसी के साथ एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब इंडिया न्यूज से खास बातचीत की तो क्या कुछ कहा। क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी। क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूं, वो खुद ब खुद ही सब कुछ दे देते हैं। और ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन्स पर, वो जन जन से जनसंपर्क की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस को फाउंडेशन दे पाए इस बात की कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ बीजेपी पर भी हमलावर तेवर उनके नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, गंगा आरती की, आज वो सीतामढ़ी में पूजा कर रही हैं, अब विंध्यवासिनी मां के दर्शन भी कर चुकी हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि उभर कर सामने लाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय विंध्याचल मंदिर के अंदर है, अंदर आप देख सकते हैं। ये एक परंपरा है पुरानी, जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने भी यही काम किया था और आज प्रियंका गांधी वाड्रा आई हैं, वो भी ये काम कर रही थी। ये एक नोटबुक होती है जिसमें लिखा जाता है, अपने पूर्वजों का नाम लिखा जाता है, जो जो लोग आते हैं वो अपना नाम लिखते हैं और वही प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ संदीप पांडे बैठे हुए हैं और वही नाम इसमें लिख रहे हैं। मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जितने भी लोग हैं उन सब ने यहाँ इस लाल डायरी में एंट्री करी है। वही काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले मंदिर में दर्शन किया, अब अपने पुरोहित संदीप के साथ वो बैठकर अंदर पूजन कर रही हैं। प्रियंका जी को आप देखेंगे लाल रंग की चुनरी जो है उन्होंने ओढ़ रखी है, पहले विंध्याचल में दर्शन किया और अब लाल किताब में अपनी एंट्री करी है। चश्मे की जरूरत पड़ी थी, अब ये देखिए, ये रक्षा का धागा होता है, ये रक्षा का धागा जो है वो बांधा जा रहा है उनकी कलाई पर। और ये राज जो पुरोहित होते हैं, जो गांधी परिवार के पुरोहित हैं संदीप, वो ये रक्षा धागा जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के
बांध रहे हैं। तो पहले जो नोटबुक होती है, जो डायरी होती है पंडो की, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद उसके बाद उन्होंने ये जो धागा था, रक्षा धागा, वो अपने पास बांधा। कैमरामैन हरिओम के साथ रत्नाकेश टंडन, इंडिया न्यूज, विंध्याचल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने विंध्याचल मंदिर में दर्शन किया है। ये पीछे आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आ रही है मंदिर से दर्शन कर करिए। आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी अभी मंदिर से दर्शन करके निकली है। आप चुन्नी देख रहे हैं उनके ऊपर है, और उनके जो पुरोहित है संदीप, वो उनके साथ है। तो ये वो दृश्य है जब वो बाहर निकली है प्रियंका गांधी वाड्रा। आप देख सकती है लाल रंग की चुन्नी उनको उड़ाई गई है, और लाल चुन्नी उड़ने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बाहर निकली है। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को ये सामने है, लाल रंग का तिलक लगाए हैं, बाहर आई है, लोग स्वागत करना चाह रहे हैं। तो ये है प्रियंका गांधी वाड्रा विंध्याचल मंदिर में दर्शन कर बाहर निकली। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, विंध्याचल। तो प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे भगवान के दर्शन कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, और प्रियंका गांधी नाव पर सवार होकर सियासत की इस यात्रा पर निकली हुई हैं। गंगा यात्रा के जरिए प्रियंका यूपी में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को कहीं ना कहीं फिर से वापस पाने की कोशिश में जुटी हैं। 140 किलोमीटर की यात्रा करके वो कल वाराणसी में होंगी। 4 दिन का ये दौरा था उनका, जो कल अपने अंजाम तक पहुंचेगा, और इस दौरान वो मंदिरों में पूजा करती अर्चना करती नजर आ रही हैं, और जन संपर्क बढ़ाने की कोशिश, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, और विपक्ष पर हमला करती हुई भी नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। और दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, मंदिर में पूजा करते हुए और मजार पर मत्था टेकते हुए पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से वो श्रद्धा भाव से मंदिर पहुंची हैं। हमारे सहयोगी से जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो भगवान से कुछ मांगती नहीं है, भगवान स्वयं ही उन्हें सब कुछ दे देते हैं। मजार पर मत्था भी टेक रही हैं और मंदिर में पूजा करती भी नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। वही रखो ना भाई, का जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहु, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपका आपको वेतन मिलेगा, और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहां तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, वो कह रही हैं, और यूपी सरकार पर खासतौर पर इस जो बाइट आपने सुनी उसमें वो हमलावर तेवर में नजर आई। उनका कहना है कि बार बार 70 साल की रट लगाना बंद कर दे अब सरकार, क्योंकि ये बात आउटडेटेड हो गई है और इसकी भी एक्सपायरी डेट आ गई है। और ये बात भी कही कि सरकार पर हमला करते हुए कि जमीनी स्तर पर उतर कर देखें कि क्या तरक्की हुई है, देखें कि क्या विकास हुआ है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे सीधे हमलावर तेवर में नजर आई, और लोगों से भी वो बार बार यही अपील कर रही हैं कि आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो सवाल पूछिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने हक के लिए सवाल पूछिए, रोजगार पूछिए। सो ये सब बातें कहते हुए वो जन जन से संपर्क करने की कोशिश साध रही हैं, और पूजा अर्चना करते हुए वो गंगा मां की यात्रा करते हुए 140 किलोमीटर की बोट यात्रा करके कल वाराणसी में होंगी। और ये उनका पूरा जो यात्रा है वो जन जन से संपर्क करने की कोशिश। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि इंडिया न्यूज से खास बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा। क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी। क्या मांगा विंध्याचल मंदिर में आपने? गांधी नेहरू फैमिली से भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, धन्यवाद। ध्यान में चली गई थी कुछ देर के लिए, हमने देखा आप कुछ ध्यान में चली गई थी।
प्रियंका गांधी वाड्रा की बात सुनी आपने, वो कह रही हैं कि मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूं, वो सब कुछ खुद ही दे देते हैं। हाँ, एक बात उन्होंने जो कही वो ये कि धन्यवाद जरूर देती हूं भगवान का, तो मंदिर मंदिर अगर वो जा रही हैं तो शायद धन्यवाद ही दे रही होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका कहना है कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है और सिर्फ धन्यवाद करने की उनकी कोशिश रहती है जब वो मंदिर जाती हैं या मजार पर मत्था टेकती हैं। इसके साथ साथ वो बार बार जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं और ये यात्रा उनकी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस की खोई जमीन को पाने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा जी जान से कर रही हैं। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप